गाइस, दिस इज तूबा फ्रॉम एम्ब्लेम हेयर मेकअप एंड ब्यूटी एकेडमी। सिखाऊंगी कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं और उसके अंदर इंटेंस शाइन, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कैसे लेके आते हैं। ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियोस को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। का मतलब होता है या रिबॉन्डिंग का मतलब होता है बालों का जो हमारा टेक्सचर है, वेवी है या एकदम कर्ली है, उनको स्ट्रेट करना, परमानेंटली उनके बॉन्ड्स को स्ट्रेट करना। अब ये बॉन्ड्स कहाँ होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स कहाँ होते हैं। नहीं पता तो मैं बता देती दोबारा। बॉन्ड्स हमारे कॉर्टेक्स में होते हैं और कॉर्टेक्स का होता है हमारे बालों की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? सेकेंड। स्मूथनिंग स्टार्ट करने से पहले आप क्लाइंट से कंसल्टेशन करेंगे। कंसल्टेशन मतलब क्लाइंट से बातचीत करना। इस बातचीत के दौरान आप क्लाइंट से पूछेंगे कि उनके बालों की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब क्लाइंट ने अपने बालों में लास्ट टाइम क्या यूज़ करा था, कौन सा केमिकल यूज़ करा था, क्लाइंट घर में बालों में कलर करा हो, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी क्लाइंट हेयर हिस्ट्री में कि उन्होंने बालों पर कब कब और क्या क्या करा। बात आता है इलास्टिसिटी चेक। इलास्टिसिटी मतलब बालों में कितना इलास्टिक है कि वो स्ट्रेच करने पे टूट तो नहीं रहे। अगर टूट रहे मतलब बाल वीक है। हेयर चेक करते हैं कि बाल ज़्यादा पोरस तो नहीं है, बालों में कितनी ड्राइनेस है। मैं आज आपको मैट्रिक्स की रेसिस्टेंट स्मूथनिंग करना सिखाऊंगी। ये क्रीम मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट के वर्जन हेयर हैं और प्लस उनके बालों का वॉल्यूम भी ज़्यादा है एंड बाल जो है बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट, जिद्दी बाल। स्मूथनिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं हेड वॉश। हेड वॉश ओनली शैम्पू से क्यों करते हैं? ताकि हमारे बालों की जो क्यूटिकल लेयर है वो ओपन हो जाए। तो अब मैं करने जा रही हूँ क्रीम की एप्लीकेशन सेक्शन बाय सेक्शन करके। याद रखिए कि जो मेरे क्लाइंट हैं इमल्सिफिकेशन के टाइम पर उनके बाल ज़्यादा ना खींचे, जिससे वो बार बार पीछे ना आए। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन एक साथ होगी तो ज़्यादा बेटर है। हमेशा एप्लीकेशन को नेप एरिया से स्टार्ट करते हैं टॉप पे जाने के लिए और हमेशा बैक सेक्शन से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं स्मूथनिंग की। ध्यान रखना है हमारी जो स्मूथनिंग क्रीम है वो इमल्सिफिकेशन के टाइम पे क्लाइंट की आंखों में ना जाए। जब हम आगे वाले सेक्शंस करते हैं तो ध्यान रखना है कि क्लाइंट के फेस पे ना लगे क्रीम। अगर लग गई है तो प्लीज़ कॉटन से उसको फटाफट से क्लीन कर दीजिएगा, वरना इचिंग होगी। एप्लीकेशन फिनिश हो गई है, अब मैं इंतज़ार करूँगी बॉन्ड्स लूज का। 15 मिनट के बाद मैं बालों को चेक करूँगी कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है हमारी क्रीम का या बालों को स्ट्रेच करा। स्ट्रेच करते टाइम पे क्या हो रहा है, बाल जो है खिंचता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। इसका मतलब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। स्ट्रेच करा बालों को, वापस से जब मैंने उसको लूज़ करा तो मैंने देखा कि बालों में जो है एस बनने लग गया है। बाल पहले बहुत कर्ली था लेकिन अब क्या है, वो एस बन रहा है। एस बनने का मतलब जो हमारा स्मूथनिंग का जो प्रोसेस है उसका आधा काम हो चुका है। अब बस कुछ ही देर में हमारा रिजल्ट कर रही हूँ और उसको लूज़ कर रही हूँ वापस, तो बालों में स्प्रिंग बन रही है। स्प्रिंग बनने के बाद वो होल्ड हो रही है, यानी कि खुल रही है, होल्ड हो रही है। जब वो होल्ड हो जाती है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस हो चुका। तो फिर देर ना करिए, शैम्पू चेयर पर जाइए एंड रिंस आउट करिए।